आंध्र प्रदेश में एनडीए की बड़ी रैली, मंच पर पीएम मोदी के साथ नजर आए चंद्रबाबू नायडू। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में 4 जून को 400 पार का लगाया नारा। चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री का पहला जनसंबोधन। पलामू जिले में पीएम की रैली के लिए जुटी भारी भीड़। कई साल बाद यह पहला मौका है जब आंध्र प्रदेश में एनडीए सहयोगियों की इस तरह की पहली सार्वजनिक रैली हो रही है। टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ जनसेना प्रमुख पवन कल्याण भी हुए शामिल। दक्षिण में एनडीए दिखा रही है अपनी पूरी ताकत। रैली में मिल रहे आपात जन समर्थन से एनडीए गदगा। चंद्रबाबू नायडू के निशाने पर रहे विपक्षी दल। चुनाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में बदली मतगणना की तारीख। अब 2 जून को होगी वोटों की गिनती। दोनों राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल 2 जून को हो रहा है खत्म। पहले 4 जून की गिनती की तारीख थी। चुनाव आयोग ने इन दो राज्यों सहित कुल 4 राज्यों में एक साथ ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान किया है। अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। अरुणाचल और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों में काउंटिंग लोकसभा चुनावों की काउंटिंग के साथ 4 जून को ही होगी। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू की अगुवाई में बीजेपी की सरकार है। वहीं सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग की अगुवाई में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की सरकार है। अगस्त क्रांति मैदान से राहुल गांधी ने निकाली पदयात्रा। बहन प्रियंका भी साथ में रही मौजूद। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ 63 दिन में 6,700 किलोमीटर का सफर तय किया। 14 जनवरी को मणिपुर से न्याय यात्रा हुई थी शुरू। इससे पहले धारावी में राहुल गांधी ने अदानी के बहाने पीएम मोदी पर साधा निशाना। साथ ही दावा किया कि चुनावी बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली रैकेट। शाम को शिवाजी पार्क विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, एसपी प्रमुख अखिलेश शामिल होने पहुंचे मुंबई। विपक्ष महारैली के बाद प्रकाश अंबेडकर ने रखा है खास डिनर। लोकसभा चुनाव को लेकर तय हो सकती है साझा रणनीति। ईडी के मामले पर बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल का किया घेराव। सीएम केजरीवाल को बताया भ्रष्टाचारी। देखिए, मैं मानता हूं कि अब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता भी मान चुकी है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की नैतिकता पर भी उठाए सवाल। कहा, करोड़ों की गाड़ी और बंगले से निकलकर ईडी का जवाब दें। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आम आदमी पार्टी पर पलटवार। कहा, विपक्ष सच्चा है तो जनता को यकीन दिलाए। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर जारी किया वीडियो। कनेक्टेड रहना है इंडिया को, इसलिए पहला वोट मोदी को दिया संदेश। कनेक्टेड रहना है इंडिया को। अरे हमारे वंडर वुमन मोदी ने थोड़ी, तूने ही तो 5G लगवाया है जंगल में। कनेक्टेड रहना है इंडिया को, इसीलिए पहला वोट मोदी को। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को नौवां समन। ईडी ने 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मामले में भी केजरीवाल को ईडी का समन। कल होगी पूछताछ। ईडी की नियत पर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल। कहा, इनका मकसद जांच करना नहीं, केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। ये साफ दिखाता है कि उनका मकसद जांच नहीं है, उनका मकसद न्याय नहीं है, उनका मकसद सच्चाई तक पहुंचना नहीं है, उनका मकसद सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। आम आदमी पार्टी ने ईडी पर लगाया आरोप। कहा, फर्जी मामले में केजरीवाल को किया गया तलब।
बारहवें दिनों से भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक 10 डिग्री तापमान माइनस 10 डिग्री तापमान में खुले आसमान के नीचे बिता रहे दिन, लोगों से की जुड़े रहने की अपील। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही एक्शन में आया लखनऊ प्रशासन, बैनर पोस्टर उतारे गए। औरंगाबाद में भी चुनाव आचार संहिता को लेकर प्रशासन सख्त, 7,000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ धारा 107 की कार्रवाई। अर्जी में सीएम सावंत ने मनोहर पर्रिकर को उनकी पुण्यतिथि पर किया नमन, लोगों के बीच बांटे पौधे। यूपी के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि आज, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा स्थानीय यादवों पर उन्हें नहीं है भरोसा। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी एमएलसी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने मायावती को घेरा, कहा वो कितने भी मुस्लिमों को टिकट दे दें, मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ है। इटावा में समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा पेयजल योजना पर खर्च हुए करोड़ों रुपए, ना टंकी बनी है ना पानी आया है। दिल्ली में हिंदू सेना ने इंडिया गठबंधन के खिलाफ लगाए पोस्टर, कहा विपक्षी नेताओं को बताया सीएए कानून विरोधी। भारतीय नेवी ने 35 समुद्री डाकुओं को हिरासत में लिया, मरीन कमांडोज और डाकुओं के बीच हुई थी मुठभेड़। अयोध्या में जैन संत आचार्य लोकेश मुनि ने किए रामदला के दर्शन, रामदला के दर्शन कर दिखे उत्साहित। बिजनौर में युवक कर रहा पॉली फार्मिंग, उगा रहे शिमला मिर्च और खीरे, युवक की हो रही अच्छी कमाई। मानसा में सिद्धू मूसेवाला के परिवार में नन्हे मेहमान के आने से घर में जश्न का माहौल, महिलाओं ने किया गिद्दा। बठिंडा में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने मूसेवाला परिवार को दी बधाई, बांटी मिठाइयां। फतेहपुर में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने फिर किया फ्लैग मार्च, लोगों को करवाया सुरक्षा का एहसास। झालावाड़ में लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा होली का खुमार, होली से पहले हुई उत्सव परिक्रमा, लोगों ने खेली गुलाल की होली। मथुरा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने लोकसभा ऑफिस का किया उद्घाटन, पूजा पाठ कर हुआ दफ्तर का शुभारंभ। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कैंपेन अभियान का किया उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री ने शुरू किया चुनाव प्रचार। रेव पार्टी में सांपों का जहर इस्तेमाल करने के मामले में एल्विश यादव हुए गिरफ्तार, पुलिस ने 14 की न्यायिक हिरासत में भेजा, एल्विश को ले जाया गया लुक्सर जेल। बांदीपुरम बर्फबारी में फंसे सैलानियों का हुआ रेस्क्यू, सभी को जिला प्रशासन ने किया एयरलिफ्ट। अनिल अंबानी ने सारंगपुर के कष्ट भंजन हनुमान जी के किए दर्शन, साथ ही उनकी मां कोकिलाबेन भी रही मौजूद। सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स एक बार फिर बने माता पिता, तस्वीरें आई सामने। मध्य प्रदेश के रायसेन में रमजान को लेकर अनोखी परंपरा, किले से तोप की गर्जना के साथ रोजा खुलता है मुस्लिम समाज। पुंछ में ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित करने की पहल, रंगो रौनक के साथ स्मारकों में की जा रही लाइटिंग से सजावट। चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स की टीम ने अपनी नई जर्सी की लॉन्च, रेड टी शर्ट के साथ नीले ट्राउजर का कॉम्बिनेशन। अयोध्या में रामदला के दर्शन के लिए भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी, बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से पहुंच रहे राम भक्त। रामनवमी को लेकर भी अयोध्या में तैयारियां तेज, होंगे कई बड़े आयोजन। भागलपुर में नए एयरपोर्ट के लिए कैबिनेट की मंजूरी, 6,000 फीट के रनवे और टर्मिनल भवन के लिए जमीन का चयन का प्रस्ताव मंजूर। अरुणाचल प्रदेश में पहली ऑयल पॉम इकाई शुरू, स्थानीय लोग उत्साहित। विकासनगर में महिलाओं के लिए देवदूत बनी एसडीआरएफ टीम, शक्ति नहर में आत्महत्या के लिए कूदी महिला को जिंदा निकाला।
मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट के पूर्व एमएलसी अमिषय पदवी ने थामा शिंदे गुट का दामन, सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में दिलाई पार्टी की सदस्यता। जयपुर में जांगिड़ सुथर समाज ने सीएम अजयलाल शर्मा से की मुलाकात, सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। जालंधर में पुलिस ने कई रेस्टोरेंट, होटलों और बार पर की छापेमारी, पुलिस ने कई जगहों पर पकड़ा हुक्का। हरिद्वार में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की गंगा मां की पूजा, साथ ही ब्रह्मकुंड के भी किए दर्शन। भिवानी में बीजेपी प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर ने शुरू किया चुनाव प्रचार, बीजेपी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ की बैठक। करनाल में शख्स ने शरीर पर गुदवाए शहीदों के नाम, 200 से ज्यादा शहीदों के नाम को अपने शरीर पर लिखवाया। लीची के लिए मशहूर मुजफ्फरपुर के किसान शहद से भी कर रहे दोगुनी कमाई, लीची के पराग से बनी शहद की अच्छी डिमांड। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीएमजी रोड का निर्माण कार्य शुरू, प्रशासन ने लोगों से निर्माण कार्य से दूर रहने की अपील की। बेंगलुरु में हजारों लोगों ने मतदान जागरूकता कार्यक्रम में लिया हिस्सा, वॉकथॉन का आयोजन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा करवाया गया। मुंबई पुलिस एसटीएफ ने एक ड्रग फैक्ट्री पर की छापेमारी, लगभग 30 करोड़ की सिंथेटिक ड्रग्स और कच्चा माल सहित दो लोगों को किया गिरफ्तार। पंजाब में कांग्रेस उम्मीदवारों के ऐलान पर बोले सांसद रवनीत सिंह बिट्टू, कहा लुधियाना से लड़ेंगे चुनाव, दूसरे जिले से चुनाव लड़ने का नहीं कोई सवाल। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही एक्शन में हापुड़ पुलिस प्रशासन, चौराहों पर लगे राजनीतिक दलों के होर्डिंग और बैनर को उतारने का काम तेज। दरभंगा में डीएम और एसपी ने सिटी में आचार संहिता लागू होने के बाद की संयुक्त बैठक, निष्पक्ष चुनाव के लिए बनाया गया सॉलिड प्लान। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद पटना पुलिस भी मुहिम में जुटी, पॉलिटिकल पार्टियों के हटाए गए पोस्टर बैनर। गोंडा में चुनाव आचार संहिता को लेकर पुलिस प्रशासन का एक्शन, डीएम और पुलिस कप्तान की निगरानी में उतारे गए राजनीतिक दलों के पोस्टर बैनर। अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों पर हुए हमले की जांच करने पहुंचे पुलिस कमिश्नर, घटना के लिए पूरी जानकारी। पुलिस कमिश्नर ने कहा जल्द पकड़े जाएंगे आरोपी, स्थिति कंट्रोल में है, डरने की कोई बात नहीं। गुजरात यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा मामले में जांच करने पहुंची पुलिस टीम, पुलिस लोगों से कर रही पूछताछ। उधम सिंह नगर में पुलिस ने पकड़ी अफीम की खेती, पुलिस ने खेती करवाने वाले के खिलाफ दर्ज किया केस। कैथल में एजेंट ने युवक को रोजगार के सिलसिले में भेज दिया यूक्रेन, युवक की युद्ध में गोली लगने से हुई मौत, पिता ने खेती की जमीन बेचकर बेटे को भेजा था यूक्रेन। कल होने वाली बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली को सफल बनाने के लिए तैयारियां तेज, प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को दिए श्रद्धालुओं के साथ अच्छा व्यवहार करने के निर्देश, ड्यूटी पर न आने वाले जवानों पर होगी कार्रवाई। निगरानी के लिए 150 स्थान पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा के लिए 60 इंस्पेक्टर, 300 एसआई, 1200 कांस्टेबल और 500 होमगार्ड तैनात। सूरत में वैदिक होली की तैयारी तेज, होली का दहन के लिए बनाई जा रही गाय के गोबर से बनी छड़ी। सूरत में वातावरण को शुद्ध करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाई जाती है वैदिक होली, कपूर और शुद्ध देशी घी से जलाई जाएगी होलिका। दिल्ली के बिहारे बनारसी रेस्टोरेंट में होली की तैयारी, ग्राहक उठा सकते हैं बाटी चोखा का आनंद। मथुरा में आयोजित पूर्वांचल होली मिलन समारोह में पहुंची बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, होली खेलने के साथ लोगों से की बीजेपी को वोट करने की अपील। दिल्ली के ऐतिहासिक रोशनारा बाग का हो रहा कायाकल्प, एलजी विनय सक्सेना ने रोशनारा बाग का किया दौरा। गोवा के कैनकोना में बीजेपी व मोर्चा के जरिए बनाए गए घरों का सीएम प्रमोद सावंत ने किया उद्घाटन, स्थानीय लोगों के साथ खिंचवाई तस्वीर। दौसा से गंगापुर सिटी ट्रेन का सपना हुआ साकार, 28 साल बाद रेलवे लाइन का काम हुआ पूरा, दौसा सांसद जसकौर मीणा ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी।
इसराइल के तेल अवीव में पुलिस से भिड़े सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी, प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ जुटे हजारों लोगों ने की आगजनी। खाने का सामान लेकर गाजा पहुंचे जहाज का वीडियो आया सामने, साइप्रस से 200 टन सामान लेकर पहुंचे जहाज को किया गया खाली। इजिप्ट के सबसे पुराने स्टूडियो में भीषण आग, पाया गया काबू, कोई हताहत नहीं। रमजान की शूटिंग के दौरान की गई सजावट के सामान में भड़की आग। आइसलैंड में दिसंबर के बाद चौथी बार फटा ज्वालामुखी, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उठता दिखा धुएं का गुबार। दक्षिण पश्चिम चीन में सिचुआन के जंगलों में भीषण आग, तेज हवा से बड़े इलाके में फैली शुक्रवार को शुरू हुई आग। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप ने उनके खिलाफ की बदजुबानी, नवंबर में होने वाले चुनाव में हारने पर खून खराबे की भी दी धमकी। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में 3 लोगों की हत्या का संदिग्ध गिरफ्तार, 26 साल के शख्स ने अपनी सौतेली मां, बहन और पत्नी की गोली मारकर कर दी थी हत्या। जर्मनी में अमेरिकी सेना के नेतृत्व में नेटो का युद्धाभ्यास जारी, नेटो और उसके प्रमुख सहयोगियों की तैयारियों और समन्वय की हो रही जांच। निजेर के सैन्य प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से अमेरिका के साथ समझौते को किया रद्द, समझौते के तहत अमेरिकी सैनिकों और अधिकारियों को निजेर में रहने की इजाजत। रूसी राष्ट्रपति चुनाव में आज मतदान का आखिरी दिन, रूसी कब्जे वाले डोनेत्स्क, लुहांस और जपोरिजिया में शुक्रवार को ही हुई वोटिंग। अभिनेता शाहरुख खान एयरपोर्ट पर आए नजर, किंग खान के कूल लुक ने जीता फैंस का दिल। पॉपुलर सिंगर ईडी शीरिन ने किया परफॉर्म, दिलजीत दोसांझ के साथ पंजाबी गाना गाते नजर आए। फिल्म क्रू का नया ट्रेलर हुआ रिलीज, नए ट्रेलर में क्रू की कहानी और बेहतर ढंग से की गई है पेश, 29 मार्च को होगी फिल्म रिलीज। अभिषेक बच्चन जल्द आएंगे नई फिल्म में नजर, फिल्म मेकर सुजीत सरकार के साथ करेंगे काम, विक्की डोनर, पीकू और सरदार उधम जैसी फिल्म में बना चुके हैं सुजीत सरकार। एक दूसरे के हुए पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा, डेस्टिनेशन वेडिंग की खूबसूरत तस्वीरों को कपल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया।